फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में, दैट मींस 1756 के अराउंड हुआ था, वो भी यूरोपियन कंट्रीज में। अब ये रेवोल्यूशन था कि कोल बेस्ड स्टीम इंजन बनाए गए थे। अब जब इंजन बन गया तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होने लग गया। अब मैन्युफैक्चरिंग जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उसके लिए रॉ मटेरियल की और ज़्यादा डिमांड आने लग गई। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास खुद के पास इतना रॉ मटेरियल नहीं था, तो इन्होंने कॉलोनीज बनाई अफ्रीका में और एशिया में। अब ये चीज बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने देखा और इनके बीच में वॉर हुआ, जिससे स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो दैट मींस कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था स्टीम इंजन पे, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पे, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर पे, जिससे आपको याद हुआ कि डेटा एज ए न्यू ऑयल कंसिडर कर दिया था, एंड अब हो रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मेजरली रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के अराउंड में। अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कि ये वो चीज है कि हर एक चीज यानी कि हर एक थिंग विल बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, यानी कि मेरा डिवाइस, मेरा स्मार्टफोन, मेरा लैपटॉप, मेरा टैबलेट, हर चीज क्लाउड से कनेक्टेड है मेरे कोई स्पेसिफिक अकाउंट से, लेट्स से जीमेल अकाउंट से या एप्पल अकाउंट से या कोई और टाइप का अगर हम ब्राउजर यूज करते हैं तो वो उससे कनेक्टेड है। सो दिस इज व्हाट दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली एक सेंटर सेटअप हुआ है, दैट इज सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये सेंटर सेटअप किया गया है विद द कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है कि हैदराबाद में एक सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इसको मेजर लिस्टिक किया जाएगा टू इंक्रीज दी हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर को लेके बहुत बड़ा कंसर्न होता है, एंड इनफैक्ट हैदराबाद क्यों चूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया काफी अच्छे तरीके से यूज होती है, यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप की गई है। Hence, यहाँ पे हेल्थ केयर को लेके काफी ज्यादा कंसर्न दिखाया गया है कि यहाँ से टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे कि हम हेल्थ केयर और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, एंड फॉर दैट कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। सो दैट इज द न्यूज। अब अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ा सा समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है या किस फेजेज में ये आया है, तो जैसे आप देख सकते हो कि जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर और वीविंग लूम पे आया गया था। देन जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मास प्रोडक्शन, की एक बार हमने स्टीम इंजन बढ़ा लिया, अब स्टीम इंजन से क्या मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो मास प्रोडक्शन कब होगा, जब वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, यानी कि एनर्जी जिसकी हमने बात करी हुई है एनर्जी ट्रांजिशन और ये सब जगह पे, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज होता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि पहले इंडियन रेलवे चलते थे कोयले पे, उनका इंजन था कोयले पे चलता था, और अब वो चलते हैं सारे ही इलेक्ट्रिक पे, यानी कि सारे ही इंडियन रेलवे लाइन इलेक्ट्रिकल हो गई, कि ये इलेक्ट्रिक के बेसिस पे चलते हैं, अब कोयले के बेसिस पे नहीं चलते। क्या अंतर है कि इलेक्ट्रिक के बेसिस पे उत्पादन ज्यादा होता है, यानी कि प्रोडक्शन और ज्यादा होता है। देन थर्ड है ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप रिकॉल करोगे कि कुछ टाइम पहले ये एक न्यूज आई थी कि डेटा एक नया ऑयल बन गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पहले वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज से हुआ था, कि जो भी रॉ मटेरियल है अलग अलग कंट्रीज में उसके चलते स्टार्ट हुआ था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट वाज कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट उसके बाद से हालांकि वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुए, बट छोटे मोटे वॉर्स होते रहे हैं कंट्रीज के बीच में। एंड यहाँ पे चाइना का मेजर कंसर्न दिखाता है इंडिया, कि ये इंडिया का डेटा यूज करता है, एंड डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी एक पॉइंट है। सो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे जैसे कोई नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो वर्ल्ड में एक टाइप का चैलेंज आता है, राइट। हालांकि हम एक बार इंडिया स्पेसिफिक चैलेंज पे फोकस करते हैं, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो है साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क्स। तो इसका एक सेंटर सेटअप हो चुका है इंडिया में विद इन कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो इंडिया वॉन्ट्स टू मेक दी मैन्युफैक्चरिंग
हब, इंडिया खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, हैंज ये यहाँ पे एक सेंटर बनाया है फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके। एंड इसके लिए कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी यूज़ किए गए हैं, कि गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। फॉर एग्जांपल समर स्कीम ली है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया होगा, एंड देन आपने ये भी सुना होगा कि फास्ट केयर सेंटर के बारे में है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब समझा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए कंसर्न है कि कोई भी नया रेवोल्यूशन आता है तो वो साथ में कंसर्न लाता है। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, एंड अभी और भी आने वाला है, तो वो अपने साथ चैलेंजेस लाया। पहला चैलेंज जैसे हमने ये देखा था कि ये एम्प्लॉयमेंट को इश्यू करेगा, कि जो लो स्किल्ड वाली जॉब है उनको खा जाएगा। सेकेंड हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि ये क्लाइमेट चेंज को भी ला रहा है, यानी कि एवरी टेक्नोलॉजी और एवरी न्यू डेवलपमेंट कम्स विद इट्स चैलेंजेस। अब अगर हम इसका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टाइप का इश्यू होता है, तो जैसे अगर आप देख सकते हो कि इंडिया में तीन टाइप का स्किल मार्केट है। पहला है अनस्किल्ड, सेकेंड है लो स्किल, एंड थर्ड है हाई स्किल। अब यहां पे आप एक चीज समझिए कि इंडिया में या हर कोई जगह पे एक पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा होगा, राइट? ये पिरामिड में तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाता है सीईओ क्लास, सेकेंड हो जाता है मैनेजेरियल क्लास, एंड थर्ड आ जाता है वर्कर क्लास। अब यहां पे देखो कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर टू क्लासेस, राइट? एंड ये क्लासेस के पास अनस्किल्ड जॉब है, यानी कि इनकी जॉब करने के लिए हमें स्किल की जरूरत नहीं है। एंड जो एआई आएगा, राइट, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 भी लाएगा, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 को एआई और रोबोटिक्स ये सब से कनेक्ट किया जाएगा। तो जब इन सबको ये सब से कनेक्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, एआई और रोबोटिक्स, रोबोट क्यों लाया जाता है, कि वो इंसान को रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पे जो मेजर कंसर्न आएगा कि ये लो स्किल जॉब्स को रिप्लेस कर देगा और हाई स्किल जॉब्स की और ज़्यादा डिमांड कर देगा। लेकिन क्या इंडिया अभी रेडी है टू गिव हाई स्किल्ड काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकता। और जैसे आपको पता है कि हर साल करोड़ों लोग पास आउट हो रहे हैं, करोड़ों लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट सिर्फ कुछ हजार लोग आईआईटी और आईआईएम में जा पा रहे हैं, और उसके बाद में उनको कुछ लोगों को जॉब मिल पा रही है। यानी कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक चल रही है वो काफ़ी ऊपर और नीचे से चल रही है, कोई स्ट्रेट लाइन है नहीं अभी तक। और इसका मतलब ये है कि जब ये टाइप की टेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और रोबोटिक्स भी है, तो ये क्या कंसर्न उठाता है कि ये लो स्किल जॉब खा जाएगा। और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही इनकी है। कि आज से 15 साल पहले इशू ये होता था कि लोग ग्रेजुएट नहीं हो रहे, अब इशू हो गया है कि लोग ग्रेजुएट तो हो जा रहे पर जॉब नहीं मिल रही है। तो द पॉइंट इज कि इंडिया एट दिस पोजीशन इतना वल्नरेबल हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट कि वो कोई भी नई टाइप की टेक्नोलॉजी अगर लाएगा तो वो उसी को ही बैकफायर करेगी एट सम पॉइंट। हालांकि इसके फायदे भी है, बट हम देखते हैं कि इंडिया एक यूथ इकोनॉमी है जहां पे 50% लोग 25 साल की उम्र में, बट फिर भी ये कंसर्न आ रहा है कि ये अभी टेक्नोलॉजी इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो दिस इज द मेजर कंसर्न कि इससे क्या होगा, एक इनइक्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर आपको पता होगा कि इंडिया में आपने कई बार सुना होगा कि किसी को 1 करोड़ का पैकेज लगा है, किसी को 2 करोड़ का पैकेज लगा है, तो ये किस टाइप की कंपनी में लगता है? सर्विस कंपनी में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजोन में। क्या कभी आपने सुना है कि L&T जैसी कंपनी में 1 करोड़ का पैकेज लगा? नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इतना ज्यादा पैकेज नहीं देती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा तो ये टाइप की एम्प्लॉयमेंट में लोग और ज्यादा आएंगे, जिनका हाई स्किल जॉब है तो काफी ज्यादा पैसे मांगेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो 1 करोड़ 2 करोड़ वाले या 60 लाख 70 लाख वाले जो पैकेज है उनका नंबर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं उनका नंबर इनसे ज्यादा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो इंडिविजुअल्स होंगे, बहुत कम इंडिविजुअल्स होंगे जो इतना ज़्यादा पैकेज पे अर्न कर रहे हैं, और बहुत कम इंडिविजुअल्स होंगे जो कम पैकेज पे अर्न कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में एक इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और यही मेजर कंसर्न बताया गया है, राइट। सो इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर अगर बूस्ट होगा, हालांकि वो बूस्ट हो भी रहा है, 50% से ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि अगर ये बूस्ट होगा तो ये एम्प्लॉयमेंट, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देगा, जो ज़्यादा पैसा देगा। बट इंडिया में इतने लोग नहीं हैं जिनके पास हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट आए। इंडिया में लो स्किल वाले बहुत ज़्यादा है, हाई स्किल वाले बहुत कम है। सो बहुत कम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा और बहुत सारे लोगों को बहुत कम पैसा मिलेगा, इससे इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एंड कहने का मतलब ये भी है कि इससे एक डिजिटल डिवाइड भी बढ़ेगा। डिजिटल डिवाइड एक इंडिया का एक कंसर्न है। जैसे हमें पता है कि दो एरिया है, एक है अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया। ये दोनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज काफी वेरी कर रहा है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब कहने का मतलब ऐसा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार बोल रही है कि हम ला दिया है, फार्मर्स को बहुत सारे पोर्टल पे अपना सेल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट ला दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। बट द पॉइंट इज कि क्या फार्मर्स इज इवन लिटरेट, क्या उसको डिजिटल लिटरेसी है कि वो इस तरीके का पॉइंट पे वर्क कर सके? नहीं। सो दैट मीन्स इससे डिजिटल डिवाइड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अभी इंडिया ही नहीं सारी कंट्री जूझ रही है, दैट इज फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल कंसर्न, क्योंकि अभी तक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ ही नहीं पाया है। क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट GPT टेक्स्ट जनरेट कर रहा था, फिर वो फोटो जनरेट करने लग गया नया AI, फिर वीडियो जनरेट करने लग गए सौरा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द पॉइंट इज, अब मेरा टेक्स्ट तो चलो ठीक था, अब मेरी फोटो जनरेट हो सकती है, मेरी पढ़ाते हुए वीडियो जनरेट हो सकती है। सो देयर आर चांसेस कि मैं वो हुई नहीं जो मैं कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स दैट इज अ ह्यूज एथिकल कंसर्न। अब इस पे लगाम कैसे लगानी है वही नहीं पता है, क्योंकि सरकार इस पे वर्क कर रही है, बट इसको कंट्रोल कैसे करना है, रेगुलेशन कैसे लाना है वही नहीं पता। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, दैट इज साइबर सिक्योरिटी का और एथिकल कंसर्न का, राइट। अब इसके अगर हम वे फॉरवर्ड देखते हैं दैट हम क्या कर सकते हैं, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो इंडिया में जो अगर हम एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 60% लोगों को ऑलमोस्ट एम्प्लॉय करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 30% लोगों को एम्प्लॉय करता है, एंड सर्विस सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 20% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये फिगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है। एंड सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये फिगर को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे और यहाँ पे, बट हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पे फोकस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हाई स्किल जॉब मांगता है और इंडिया इज नॉट येट रेडी टू गिव हाई स्किल जॉब। सो द पॉइंट इज हम इसको फोरगो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ ही हमें ये दे रहा है अभी, 50% GDP कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से है। तो द पॉइंट इज कि हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। द सूनर दे इंटीग्रेट द सूनर वी विल डेवलप। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेजॉन बेसिक्स, कि अमेजॉन खुद के प्लेटफॉर्म पे खुद का प्रोडक्शन किया हुआ कमोडिटी भी बेच रहा है, राइट। सो यस, ये कंसर्न है। देन डिजिटल डिवाइड के लिए कई सारी इनिशिएटिव चल रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एथिकल कंसर्न के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है गवर्नमेंट को, आई मीन नॉट जस्ट नेशनल गवर्नमेंट बट इनफैक्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंट, बिकॉज ये आने वाले टाइम में एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है, राइट। सो दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी डिस्कसिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।